हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा 11th का चैप्टर 1 है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में नाम से पता चल रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। 11th का है, NCERT का चैप्टर 1। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री डिस्कस करें हम लोग केमिकल कंपाउंड्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करें, वो हमारे क्या होंगे, क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज नोन एज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ब्रॉड लेवल पर देखें तो यही है। जैसे अगर हम लोग वाटर के, अगर हम लोग केमिस्ट्री जानना चाहें कि वाटर क्या है, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि वाटर कैसा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है H2O, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं, कैसा उसका नेचर है। तो ये सब जिस साइंस की ब्रांच में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग पता करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो ब्रांच हमारी क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी। अच्छा, केमिस्ट्री में अगर हम लोग ब्रॉड लेवल पर डिवाइड करें तो केमिस्ट्री को हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारी लिख सकते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, नाम से पता चल रहा है इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक नहीं होंगे इसके अंदर कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब यह है कि कार्बन के कंपाउंड्स को छोड़कर सिवाय कार्बन के ऑक्साइड, CO2, CO3 डबल माइनस और CO और H2CO3 हो गया, ठीक है। कार्बन के ऑक्साइड बेसिकली जो होते हैं वो हम लोग इनऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा मैच खाती हैं। तो हम लोग किस में डिस्कस करते हैं इसको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एज केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर हम लोग बात करते हैं, अगर दूसरी तरीके से हम डिवाइड करें तो दूसरी तरीके से हो सकता है, दूसरी ब्रांच कौन होती है इसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉड लेवल पर। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जनरली डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन का ऑक्साइड छोड़कर, क्योंकि हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हो, ठीक है, इनको छोड़कर जिसमें कार्बन हो वो हम लोग क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और तो स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर प्रॉपर्टीज नेचर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक और होती है, इनके बीच में होती है एक और जनरल लेवल पर, अगर ब्रॉड लेवल पर डिवाइड करें फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, होती तो बहुत सारे हैं केमिस्ट्री के इसके ब्रांच, लेकिन ब्रॉड लेवल पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं एनालिसिस में जो भी हम लोगों को चीज़ यूज़ हो रही है, कि मान लीजिए नाम तो पता चला फिजिकल फिजिक्स, ठीक है, फिजिकल मेथड हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने निकाला वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस करा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि उसके अंदर कार्बन नहीं प्रेजेंट है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिस्कस करा कि उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब हमने डिस्कस करा। अब वाटर कितना लिया है वो कैसे नापेंगे, वो हम नापेंगे कि 1 लीटर है, कितना लिया, 2 लीटर है। अब वाटर में उसके H2O के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो किससे नापेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैथ लगानी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो वो सब हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, एनालिसिस कहाँ पर करेंगे कंपाउंड्स की, वो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच जनरली वी डिस्कस अबाउट द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रॉड लेवल पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। तो चैप्टर हमारा कौन सा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर की, किसकी, मैटर की।
मैटर की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैटर एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज मैटर, पढ़ा है? एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज मैटर। तो मैटर क्या है? कुछ भी आप देखें, इधर उधर देखें, अगर आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है वो सब क्या है? मैटर है, ठीक है? अगर उसका कुछ ना कुछ क्या है? मास है। मास क्या हमको आपको दिखाई देगा ना? मास, चाहे माइक्रो लेवल पर हो, चाहे मैक्रो लेवल पर, यानी चाहे छोटे लेवल पर हो, माइक्रोस्कोप से भले देख रहे हैं लेकिन देख तो रहे हैं ना उसको। तो अगर उसका मास है कुछ ना कुछ, आप उसको देख पा रहे हैं, वो कुछ जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम लोग क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। जैसे इस समय हमारे पास क्या है? टी शर्ट पहनी हुई है, ये भी क्या मैटर है? पूरी बॉडी क्या है? मैटर है। एक पेन है हमारे पास, मार्कर, वो क्या मैटर है? बोल्ड है, क्या मैटर है? तो चारों जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है? जो भी स्पेस ले रहा है वो क्या हमारा? मैटर। अब ये मैटर सब एक जैसा हमको नहीं दिखाई देता है, सब मैटर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें कि जो हमारी बॉडी हो क्या है? सॉलिड है, ठीक है? और अगर हम लोग वाटर कंसिडर करें तो वाटर एक अलग तरीके की चीज़ है, अलग तरीके का मैटर है, वो भी स्पेस ले रहा है, कुछ ना कुछ मास है उसके अंदर, वो भी मैटर है, लेकिन वो एक अलग तरीके का मैटर है। और अगर हम देखें कि हमारे जो चारों ओर क्या है, जो हमारे गैसें हैं इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, बहुत सारी गैसें हैं इन्वायरमेंट में हैं, तो उनको भी हम लोग माइक्रो लेवल पर देखें, उनका कुछ ना कुछ क्या मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो भी क्या मैटर है। तो मैटर को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि मैटर की तीन स्टेट हो सकती हैं, यानी ये तीन तरीके का जनरली ब्रॉड लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो सॉलिड हो सकता है मैटर, एक तो क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? गैस के रूप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मैटर को, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर हम लोग बात करें सॉलिड की, किसकी बात करें? सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। गैस की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा पास दिखा दीजिए, इससे गैस अलग हो जाए। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर इसमें मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं तो इनके बीच स्पेस क्या है? बहुत कम। स्पेस क्या है? बहुत कम है। अब मॉलिक्यूल के बीच स्पेस है, किसके बीच स्पेस है? मॉलिक्यूल के, तो बोलेंगे बीच में है तो इंटर बोलेंगे। किसके बीच में है? मॉलिक्यूल के, तो क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिकुलर। क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिकुलर। और चूंकि ये स्पेस है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिकुलर स्पेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंटर मॉलिकुलर स्पेस। तो अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हमको इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या दिखाई दे रहा है? बहुत कम दिखाई दे रहा है। लिक्विड में इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या है? ज़्यादा है सॉलिड से, क्या है? ज़्यादा, ग्रेटर देन सॉलिड। और गैस में इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या है? ग्रेटेस्ट है, यानी गैस में जो होता है इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है? वो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए मॉलिक्यूल क्या है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या है? सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा इंटर मॉलिकुलर स्पेस है, ठीक है? तो अब देखिए अगर हम लोग बात करें इंटर मॉलिकुलर फोर्स की, इसकी बात करें इंटर मॉलिकुलर फोर्स की, फोर्स देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है? दूर दूर हैं, ठीक। तो अगर मॉलिक्यूल के बीच हम अट्रैक्शन बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। और अट्रैक्शन बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? और पास पास आ जाएंगे। यानी अगर कहें तो इनके बीच क्या है जो बहुत पास पास है, उनके बीच अट्रैक्शन क्या बहुत ज़्यादा, यानी इनके बीच एक फोर्स लग रहा होगा ना जो इनको आपस में यहाँ पर अट्रैक्ट करके लाया है, ठीक है, मॉलिक्यूल को बांधे रखे, इसको हम क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन फोर्स। तो सिंस दो मॉलिक्यूल के बीच इंटर पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिकुलर फोर्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलेंगे, ठीक है? अब मॉलिक्यूल जितना पास पास होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या है हमारे? बहुत पास पास हैं, तो जब मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं तो इनके बीच इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या लग रहा होगा? बहुत ज़्यादा। तो इनके बीच इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा? सबसे ज़्यादा। लिक्विड में इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा? सॉलिड से कम। और गैस में इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा? सबसे कम पाया जाएगा। गैस में इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा? सबसे कम पाया जाएगा। तो दो चीज़ें हमको पता चली यहाँ पे, कि जो सॉलिड होता है सॉलिड स्टेट में इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है? सबसे ज़्यादा, ग्रेटेस्ट। दूसरी चीज़ कि इसके बीच जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होता है?
वो भी क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, लोवेस्ट, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट, बाकी समय उसी हिसाब से लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर देन सॉलिड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लोअर देन सॉलिड, एंड गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ग्रेटेस्ट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, लोवेस्ट, सबसे कम पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शेप की, किसकी बात करते हैं हम लोग, शेप की। तो सॉलिड क्या है, मॉलिक्यूल पास पास हैं, फोर्स बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल क्या है इधर उधर निकल नहीं पा रहे हैं भैया अपनी जगह से, ये मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं, अब मॉलिक्यूल ये इधर नहीं जा पा रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या एक जगह पे मौजूद है, ठीक है, मॉलिक्यूल एक जगह पे मौजूद है, ऐसा नहीं है मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल काँप रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं यहाँ पे काँप रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स का बहुत ज़्यादा, तो एक जगह पे क्या हो रहे हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर पा रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, पूरा पूरा ऐसे नहीं हो रहे हैं लेकिन वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मॉलिक्यूल के बहुत पास पास, सॉलिड में मॉलिक्यूल के बहुत पास पास हैं, तो जब बहुत पास पास हैं तो एक हमको एक इनको अगर हम लोग दूर से देखें माइक्रो लेवल पर, जैसे मॉलिक्यूल बहुत छोटा है ना, तो मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, बहुत पास पास, ठीक है। तो हम अगर इनको एक बड़े लेवल पर देखें, जैसे मान लीजिए दूर से आप देखिए एक जगह पे कई सारे लोग खड़े हों, ठीक है, बहुत पास पास खड़े हों कई सारे लोग, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक डॉट तरीके का दिखाई देगा कि यहाँ एक घेरा टाइप का है, बहुत दूर से आप देखें, ठीक है। तो मॉलिक्यूल भी क्या बहुत छोटे छोटे हैं, तो मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे, तो इनका शेप क्या होगा, हमको एक डेफिनेट शेप दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, इनका एक डेफिनेट शेप दिखाई देगा, किसका, सॉलिड का। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड में क्या मॉलिक्यूल हल्का इधर उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं आराम से, स्पेस क्या ज़्यादा, मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, मूव, लेकिन ये भी नहीं कि मॉलिक्यूल अपना यहाँ से हट जाए, दूर चले जाए, ऐसा नहीं भाई, मॉलिक्यूल क्या है, स्पेस क्या है, ज़्यादा है, मॉलिक्यूल के बीच स्पेस क्या है, ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसे से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं, मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं, तो होता क्या है कि इनका जो शेप होता है वो होना तो चाहिए डेफिनेट, लेकिन सिंस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं, तो वो शेप डेफिनेट नहीं रहता, इनडेफिनिट हो जाता है, लेकिन इनडेफिनिट होने के बाद भी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसा नहीं अपना जगह छोड़ के निकल जाए, नहीं कर सकते ऐसा। तो जब हम किसी भी इनको किसी भी अगर बर्तन के अंदर रख दें, किसी भी पॉट के अंदर रखें, तो जिसमें हम रखेंगे ये उसका शेप ले लेते हैं, कैसे क्या लेते हैं, उसका शेप, इनका वॉल्यूम, इनका जो शेप होता है लिक्विड का, मॉलिक्यूल्स का जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का शेप होता है वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, बट दे कैन अटेन द शेप इन विच दे इंसल्टेड और इन विच दे आर प्रेजेंट, जिस भी चीज़ में प्रेजेंट हैं, इन विच द थिंग दे आर प्रेजेंट, जिस भी चीज़ में प्रेजेंट हैं उसका शेप क्या कर लेंगे, ये अटेन कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। फिर बात करें अगर गैस की, अब गैस तो बहुत दूर दूर आ गया भाई, मॉलिक्यूल क्या हमारा बहुत दूर दूर है, तो जब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है तो अब मॉलिक्यूल क्या बहुत फ्री है, अब मॉलिक्यूल मूव भी कर रहा है और अपना जगह भी कहीं भी जाए, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा। अब हम मान लो तुम बर्तन में रखो इसको, खुले भी बर्तन में रखो, बंद बर्तन में रख दो, तब भी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, टकरा रहा है, टकरा वापस आ जा रहा है, टकरा रहा वापस आ रहा है, खुला रख दियो तो कहाँ चला गया, उड़ गया। तो गैसियस जो मॉलिक्यूल हमारे हैं उनके बीच स्पेस क्या बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, और स्पेस ज़्यादा होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, बहुत आसानी से इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इनका शेप क्या रहता है, इनडेफिनिट रहता है, शेप क्या रहता है, इनडेफिनिट। देन हम बात करते हैं वॉल्यूम की, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, कैसे निकालते हैं, लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट। शेप जो था सॉलिड मॉलिक्यूल का वो क्या था, डेफिनेट था, तो सॉलिड मॉलिक्यूल अगर कहीं पे रखा हुआ तो उसका शेप क्या, डेफिनेट, यानी आप उसकी लेंथ भी नाप सकते हैं, ब्रीथ भी नाप सकते हैं और उसकी हाइट भी ले सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब लेंथ ब्रीथ हाइट डेफिनेट हो गई, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ रही है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अपने आप डेफिनेट हो जाएगा। तो जो सॉलिड होते हैं उनके क्या होता है, वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। लेकिन फिर लिक्विड की बात करें, अब देखिए यहाँ पे बात आती है, लिक्विड क्या कर रहे थे, अपना अपना स्थान नहीं छोड़ रहे थे, मूव कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। अब अगर देखिए लिक्विड, हमने बताया कि जिस भी थिंग में रख देंगे, जिस भी बर्तन में रख देंगे, जिस भी पॉट में रख देंगे, उसका शेप क्या कर लेंगे, वो अटेन कर लेंगे, ठीक है, उसका शेप उनके पास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कॉलम है, ठीक है, और कॉलम में हमने लिक्विड को
भर दिया, फिल कर दिया पूरा कॉलम में, तो उस लिक्विड ने क्या करा, उसका शेप ले लिया। अब हमें क्या, हम लिक्विड का तो नहीं ले सकते थे लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो जो कॉलम में रखा है हम उसका क्या ले सकते हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट, उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एकदम उसको ऑक्यूपाई करने पड़े हैं, ठीक है। तो उसका हम ले लेंगे, हमको क्या पता चल जाएगा, उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। इसलिए आप जब भी दूध लेने जाएँ तो दूध क्या लेते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर हैं, क्या होता है वो वॉल्यूम क्या होता है उसका, डेफिनेट रहता है, ठीक है, एक डेफिनेट वॉल्यूम में ले लेते हैं उसको। तो इनका जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। बात करते हैं गैस की, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम कम, मॉलिक्यूल इधर जा रहा है उधर जा रहा है अपनी मर्जी से, तो वो इनका तुम वॉल्यूम हम लोग नहीं ले पाते, इनका वॉल्यूम हम लोग नहीं ले पाते, इनका यानी इनका जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, इनडेफिनिट होते हैं। अच्छा, आप मान लो कोई वही कहे कि जैसे मान लीजिए हमने लिक्विड में कहा था कि लिक्विड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बर्तन का शेप क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो जिस तरीके से हम लोग लिक्विड में वॉल्यूम ले रहे थे उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैस में ले लें, गैस हम लोग किसी बर्तन के अंदर भर दें और उस बर्तन का हम लोग क्या ले लें, वॉल्यूम ले लें, ठीक है आप ले सकते हो बर्तन का, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल अपनी जगह पर नहीं रुक रहा है। मॉलिक्यूल क्या है, अगर आप बर्तन के अंदर भी लेंगे अगर गैसेस को, गैस को, तो वो भी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि गैस, गैस मॉलिक्यूल है, आप इतने बड़े बर्तन बंद करते हैं तब भी वो आ जाएंगे, इतने बड़े बर्तन बंद करते हैं तब भी आ जाएंगे, इतने बड़े बर्तन बंद करते हैं तब भी आ जाएंगे, तो यानी वॉल्यूम आप चाहे चेंज करते जा रहे हैं, बर्तन का तो चेंज हो रहा है वॉल्यूम, लेकिन गैस उसमें फिट होती जा रही है। क्यों फिट होती जा रही है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल क्या उनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्पेस बहुत ज़्यादा करने का, आप दूर दूर रख देंगे तो दूर दूर में अपने आप से टहलेंगे, ठीक है, कम दूरी में रखेंगे तो कम दूरी में अपने आप से टहलेंगे, और कम दूरी में रखेंगे तो अपने आप से टहलेंगे, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में आप 1 लीटर अगर दूध है, मिल्क है आपके पास, तो आप 1 लीटर के बर्तन में रखेंगे जिसका वॉल्यूम 1 लीटर हो, ऐसा नहीं है आधा लीटर में, आधा लीटर के बर्तन में आप 1 लीटर का लिक्विड रख दें, नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पे आप वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं, लेकिन गैस में आप वॉल्यूम डेफिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, यानी वॉल्यूम क्या होगा सबसे ज़्यादा, शेप का वॉल्यूम डेफिनेट, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट, और गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट हो जाएगा। तो वॉल्यूम की बात हो गई, वॉल्यूम की। अब बात करते हैं डेंसिटी की, क्या किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की। तो फिफ्थ पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होती है, तो देखिए चलिए हिंदी में बात करते हैं, डेंसिटी क्या होती है, तो फॉर्मूला अगर पढ़ा हो फिजिक्स में, मास अपॉन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास हमारा आ रहा है उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। नहीं समझ पा रहे इसे समझिए, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि भाई जंगल कितना घना है, देखिए कहते नहीं जा रहे हैं कितना घना जंगल है, ठीक है, कितना डेंस है, कितनी डेंस चीज़ है, ठीक, मतलब कोई चीज़ कितनी डेंस है उसकी जो हम लोग नापेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी, कितने वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। जैसे देखिए एक चीज़, अगर हम लोग सॉलिड में देखें तो सॉलिड में अगर मान लीजिए हम सपोज़ कर लीजिए कि हम पूछेंगे इतने जगह में, इतने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में बताइए सॉलिड, सॉलिड मॉलिक्यूल के बहुत पास पास, इतने वॉल्यूम में बताइए सॉलिड के मास कितना आ रहा है, तो इतने वॉल्यूम में सॉलिड के मॉलिक्यूल के बहुत पास पास, तो मास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, मास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर हम इसमें ही बात करें सेम उतना ही, तो इसमें मॉलिक्यूल क्या दूर दूर हो गए सॉलिड से, तो दूर दूर ही हो गए हैं, सॉलिड से दूर दूर हैं, तो इतने जगह वॉल्यूम में क्या होंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर आएंगे, ज़्यादा पास पास नहीं आएंगे। गैस में बात करें तो मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर हैं, रुक नहीं रहे एक जगह पर, क्या हो रहे हैं, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। तो इनमें जो होगा बहुत दूर दूर हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उतने ही वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल इसमें फिट, उतने कम मॉलिक्यूल आएंगे गैस के, ठीक है। यानी सॉलिड में उतने ही जगह में उतने वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल यानी ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा डेंस है यानी डेंसिटी क्या ज़्यादा है। लिक्विड में मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, बहुत उतनी ही दूरी में कम आ रहे हैं, और गैस में उतनी ही दूरी में उतने ही वॉल्यूम में क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल बहुत कम आ रहे हैं। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा दिखेगा हमको, सॉलिड, उससे कम डेंस लिक्विड दिखेगा, उस सबसे कम को दिखेगा गैस दिखेगा, यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की होती है, किसकी होती है, सॉलिड की। अब एक बहुत चर्चित क्वेश्चन है जो मतलब हम लोगों से काफ़ी पूछा जाता था जब हम लोग थे वही हाई स्कूल और इंटर विंटर में, कि बताइए डेंसिटी तो सॉलिड की ज़्यादा होती है, तो सॉलिड कोई भी आप लिक्विड में डालिए तो सॉलिड क्या हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है, डेंसिटी क्या ज़्यादा है, भारी है, मास क्या ज़्यादा है, क्या रहता है, डूब जाता है, ठीक। लेकिन वाटर तो फ्लोट करता रहता है, बताइए वाटर क्या है, सॉलिड है, सॉरी वाटर बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, आइस,
आइस क्या होता रहता है, वाटर के ऊपर क्या करता रहता है, फ्लोट। जबकि आइस क्या है हमारा, आइस हमारा क्या सॉलिड है और वाटर हमारा क्या है लिक्विड। ऐसा क्यों आइस फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर जबकि आइस क्या है सॉलिड है, और तो सॉलिड तो डेंस ज़्यादा होना चाहिए, डूब जाना चाहिए, लेकिन आइस क्यों नहीं डूब रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब देखिए कि जो आइस होता है वाटर में भी क्या हमारा H2O, आइस में भी क्या हमारा H2O, आइस में भी क्या है H2O, ठीक है। अब एक चीज़ आपने नहीं पढ़ी है अभी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ा है तो बाद में बताया जाए, पहले बता दिया जाए, चलिए बाद में बताया जाएगा, ठीक है। आइस जो होता है वाटर में फ्लोट क्यों करता है, उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड पता होना चाहिए, चलिए बता देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल सी चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहीं भी हाइड्रोजन आपको दिख जाए, हाइड्रोजन दिख जाए और हाइड्रोजन के अलावा आपको दिख जाए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये तीन कहीं भी दिख जाए तो हाइड्रोजन क्या करता है, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है, उस अट्रैक्शन फोर्स से एक बॉन्ड बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल हुआ इसका और दूसरा मॉलिक्यूल भी वाटर का होगा तो उसमें भी क्या होगा HOH होगा, तो इनमें भी क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में भी होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आइस में भी होता है, ठीक। लेकिन जो बर्फ़ बनती है आपको पता है बर्फ़ कब बनती है, टेम्परेचर क्या हो जाए जब कम हो जाए, जब हम टेम्परेचर कम कर देंगे घटा देंगे तब क्या बनने लगेगी, बर्फ़ बनने लगेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बर्फ़ बनने लगेगी, ठीक। तो जब बर्फ़ बन रही होगी तो बर्फ़ बनने में क्या होता है, टेम्परेचर जब घट जाता है तो मॉलिक्यूल जो इधर उधर मूव कर रहे थे वो उनका मूवमेंट क्या हो जाता है कम हो जाता है, मूवमेंट क्या हो जाता है उनका कम हो जाता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे एक्चुअल में उससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगते हैं, और वो इस तरीके से शेप में आ जाता है कि एक लैटिस बना लेता है। क्या बना लेता है? एक लैटिस टाइप का बना लेता है। जैसे मान लीजिए लैटिस क्या होता है, एक जाल टाइप का बना लेता है, इस तरीके से मान लीजिए, जैसे सपोज कर रहे हैं कि जाल टाइप का बना लेता है। तो देखिए जब जाल बना लेता है तो उसके बीच क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगी। क्या आ जाएगी उसके बीच? एयर, खाली स्पेस आ जाएगा उसके बीच में, और जब खाली स्पेस आ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी कम, डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाने के कारण क्या हो जाता है, जो आइस होता है उसके ऊपर क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। दूसरी चीज़ देखिए जब मुझे बोलते हैं क्या नाम है, लाइफ जैकेट होती है, लाइफ जैकेट में क्या होता है हवा भरी होती है तो वो क्या करती रहती है ऊपर तैरती रहती है, ऐसे करेंगे तो आप क्या करते रहेगी वो तैरती रहेगी, क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या एयर भरी हुई है, ठीक। उसी तरीके से क्या हो जाती है, इसके बीच जब ये आइस होती है तो आइस में क्या हो जाता है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कि ये एक लैटिस तरीके का बन जाता है, जाल टाइप का बन जाता है, उसके बीच स्पेस आ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है और आइस क्या करता रहता है वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है, ठीक। तो ये था मैटर, मैटर के बारे में कुछ पॉइंट थे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, आई होप आपको समझ में आया हो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।